कोई भी लोन ले रखा है और अगर आपने ऑटो डेबिट ऑन कर रखा है, नैच ऑन कर रखा है, ECS ऑन कर रखा है, सब ये सारी चीज़ें एक ही हैं, अगर आपने इनमें से कुछ भी ऑन कर रखा है और अगर ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है तो आपके ऊपर केस हो सकता है। मेरे वीडियोज़ में बहुत जगह पर बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स आते हैं जहाँ कहते हैं कि ऐसा कोई केस होता नहीं है। प्लीज़ 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 ऐसी किसी भी भ्रम में न रहें। अगर आपका ECS बाउंस हो रहा है तो अंडर सेक्शन 25 आपके ऊपर केस हो सकता है। ये बिल्कुल चेक बाउंस की तरह ही होता है। कैसे होता है, क्या होता है, आपको क्या करना है, पूरी की पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो में लास्ट तक बने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सभी का आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी इन फाइनेंस में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ECS बाउंस की। ECS बाउंस यानी ऑटो डेबिट। कभी भी आप कोई भी लोन लेते हैं तो आपका लेंडर क्या करता है, आपसे फिजिकली या इलेक्ट्रॉनिकली एक सिग्नेचर करवाता है एक एग्रीमेंट के ऊपर, जहां वो आपसे ये कहलवाता है कि आप एक निश्चित तिथि को एक निश्चित राशि अपने अकाउंट से निकालकर ऑटोमेटिकली उनके अकाउंट में डाल देंगे। यानी कि उनका जो सिस्टम है वो अटेम्प्ट करता है आपके अकाउंट से पैसे लेने की एक निश्चित राशि जो तय हुई है, और उसके बाद वो पैसे उनके अकाउंट में, आपके क्रेडिटर के अकाउंट में, आपके लेंडर के अकाउंट में चले जाते हैं। लेकिन अगर आपके अकाउंट में पैसे ही नहीं है तो क्या होगा, वो बाउंस हो जाएगा। बाउंस चार्जेस लगेंगे, ऑब्वियसली बाउंस चार्जेस भी लगते हैं अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। और अगर उनके सिस्टम ने अटेम्प्ट किया, वो बाउंस हो गया, तो बाउंस चार्जेस आपको पे करने होते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि दो या तीन दिन में वो दो दो तीन तीन बार भी अटेम्प्ट करता है उनका सिस्टम। ऐसी स्थिति में अगर दो तीन बार पैसे नहीं तो आपके दो तीन बार बाउंस चार्जेस लग जाते हैं। तो ECS में होता यह है कि आपके पास अगर पैसे नहीं है तो बाउंस होता है। ECS बाउंस इसे कहते हैं, ऑटो डेबिट बाउंस कह सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये लगातार होता रहता है तो सबसे बड़ा नुकसान तो आपका ये है कि आपके बाउंस चार्जेस लगते हैं जो माफ़ भी नहीं होते हैं, और आपको वो चार्जेस देने होते हैं, यानी कि आपका खर्चा बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी EMI 3000 की है और बाउंस चार्ज 700 रुपये का लग गया है, और बाउंस चार्ज अगर 700 रुपये का लग गया है तो अब आपको 3700 देने होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये खर्चा आपका बढ़ता ही चला जाता है। और अगर फिर भी आप नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में कई बार तो बैंक की तरफ से आपके पास एक नोटिस भी आ जाता है, एक मैसेज आ जाता है कि आपका ECS बाउंस हो रहा है तो हम आपके अकाउंट को क्लोज करने वाले हैं। आप खुद अपने हाथों से इस ऑटो डेबिट को ऑफ नहीं करना है, इसको बंद नहीं करना है, क्योंकि आपने एग्री कर रखा। अगर आपने इसको बंद कर दिया तो भाई केस हो जाएगा। फिर मुझे ये मत बोलना कि आपने बताया नहीं था। आपको खुद अपने हाथों से उसको बंद नहीं करना है। बाउंस चार्जेस लग रहे हैं, पैसे नहीं है, पैसे नहीं होना अपराध नहीं है, लेकिन आपको खुद अपने हाथ से उसे बंद नहीं करना है। लेकिन समस्या यहीं ख़त्म नहीं हो जाती। अगर लगातार बाउंस होता जा रहा है तो अंडर सेक्शन 25 आपका लेंडर, आपका बैंक, आपकी NBFC कंपनी आपको कोर्ट में घसीट सकती है, आपके ऊपर केस कर सकती है। और इसमें भी सजा का प्रावधान होता है बिल्कुल चेक बाउंस की तरह। चेक बाउंस में 138 में आपके ऊपर केस होता है, मिनिमम 14 डेज, मैक्सिमम 2 साल की सजा होती है। सेक्शन 25 एकदम उसका इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ही एक तरीके से मान लीजिए, इसमें भी सजा का पूरा प्रावधान है। तो ECS बाउंस को आप रोके कैसे? अब रोकने के दो तरीके हो सकते हैं। या तो आपने उसे अपने हाथों से बंद कर दिया, जिसके लिए मैंने आपको मना कर रखा है। दूसरा तरीका यह है कि आप अपने लेंडर को अप्रोच कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट ये कर सकते हैं कि भाई आप इसे प्लीज़ बंद कर दीजिए, जो कि वो नहीं करने वाले हैं। लेकिन आप उनको कम से कम उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरे उसमें पैसे हैं नहीं, मेरे बाउंस चार्जेस लग रहे हैं, क्या पता कोई दयालु प्रवृत्ति का बैंक मैनेजर आपके ऊपर दया ही कर जाए। आप कह तो नहीं सकते, सो यू कैन गिव इट ए ट्राई, आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी वो बंद नहीं करता है तो बाउंस चार्जेस लगने दीजिए। एक बार जब आपके लोन का सेटलमेंट हो जाएगा तो आपको बैंक में जाना है और बैंक में जाकर ये कहना है कि मेरे इस अकाउंट को मुझे बंद करवाना है। वो कहेंगे भाई आपको तो -50,000 रुपीज़ हो गए बाउंस चार्जेस, सो आपको इसको पे करना है, उसके बाद ही आपका अकाउंट बंद होगा। आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरे पास 50,000 रुपये है नहीं, तो अगर आपको बंद नहीं करना है तो आप इसे ओपन रख सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है, इनडेफिनेटली फॉर नेक्स्ट 100 ईयर्स वो आपके उस अकाउंट को खुला रखने वाले हैं? बिल्कुल नहीं, वो उस अकाउंट को बंद कर देंगे। तो कभी भी अगर ECS बाउंस हो रहा है तो ECS बाउंस आपको घबराना नहीं है, आपको समझना है कि आपको क्या करना है। तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका यह है कि आप उसमें पैसे रखें ताकि वो ऑटोमेटिकली पैसे जाते रहे। चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका ये है कि आपकी जो भी ऑटो डेबिट की डेट है उससे पहले भी आप पेमेंट चाहे तो उस अकाउंट में जाकर कर सकते हैं। अगर आपने वो पेमेंट कर दिया लगभग 10-15 दिन पहले, तो वैसे स्थिति में वो सिस्टम अटेम्प्ट करेगा ही नहीं। इससे क्या है कि कम से कम आपका ऑटो डेबिट जो है वो
बाउंस नहीं होगा तो बाउंस चार्जेज आपके नहीं लगेंगे। पांचवा तरीका क्या है, आज बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ। तो पांचवा तरीका ये है, को ऐसा लगता है कि इस बाउंस का कहीं मेरे ऊपर केस नहीं हो जाए, तो मैं आपको ये बता दूं कि बैक टू बैक अगर तीन ईएमआईज अगर आपकी डिफॉल्ट होती है तो ही आपका अकाउंट एनपीए में जाता है। लेकिन अगर बैक टू बैक ये तीन ईएमआईज आपकी डिफॉल्ट नहीं हुई तो एनपीए नहीं होगा, और एनपीए नहीं होगा तो केस भी नहीं होगा। तो दो ऑटो डेबिट अगर आपके डिफॉल्ट हो गए हैं तो तीसरे में आप पेमेंट कर सकते हैं, फिर दो डिफॉल्ट हो गए फिर तीसरे में पेमेंट कर सकते हैं। तो बैक टू बैक तीन तो हो ही नहीं सकते, ये एक टेम्पररी रिलीफ है। इसका यह मतलब नहीं कि आपके ऊपर केस नहीं हो सकता है, केस किसी को करना है तो वो एलिगेशन तो लगा ही देंगे, कन्विक्शन कोर्ट करता रहेगा, लेकिन आपके लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसे एक टेम्पररी रिलीफ मानिए, कुछ समय के लिए रिलीफ मानिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, सबसे अच्छा उपाय तो यही है। लेकिन पैसे अगर नहीं है, अगर नहीं है तो फिर आप सेटलमेंट करवा लीजिए ताकि ये खेल आपको खेलना नहीं पड़े। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और इस जानकारी की तलाश केवल आपको ही नहीं और भी लाखों करोड़ों लोगों को होगी। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, सारे प्लेटफॉर्म्स पर आप इसे शेयर कर दीजिए ताकि जो भी इस वीडियो को देखे वो समझ पाए कि उन्हें क्या करना है। एंड दे विल गिव यू ब्लेसिंग्स, वो आपको आशीर्वाद देंगे, दे विल अप्रिशिएट यू। तो उम्मीद करता है वीडियो आपको पसंद आया होगा। जो लोग मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको बता दूं किस तरह के वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो आपको करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पर क्लिक करना है, इससे जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो पोस्ट करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ जाएगी। इसके अलावा अगर लोन से संबंधित आपको कोई भी समस्या आ रही है, किसी भी तरीके की कोई भी समस्या अगर आपके पास है, तो स्क्रीन के ऊपर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर आप चाहे तो हमें हाई लिखकर भेज सकते हैं और एक वन ऑन वन कंसल्टेशन हमारे साथ बुक कर सकते हैं। फिर चाहे वो किसी भी तरीके की समस्या हो, ECS बाउंस हो, चेक बाउंस हो, आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, रिकॉल नोटिस हो, डिमांड नोटिस हो, केस हो गया हो, केस होने वाला हो, समन आ गया हो, बेल करानी हो, एनीथिंग, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ जल्दी आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त का ध्यान रखिए। बाय बाय।